नमस्कार, मैं हूँ एसके मालवीय और आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ सरपंच लोग आए हुए हैं और ये अपनी मांगों के लेकर सरकार से बातचीत करने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री पूरी तरीके से कोई आश्वासन नहीं दिया है। इस वजह से इन लोगों ने लंबी प्रक्रिया शुरू की है कि जब तक इनकी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। S24 के लिए एसके मालवीय की खास रिपोर्ट देखिए, मिलते हैं सरपंचों से। इस वर्ष जितने भी नए सरपंच बने हैं, तो जब से हम लोग नए सरपंच बने तो किसी भी पब्लिक का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शासन की जितनी योजनाएं थी पहले वो सब धीरे धीरे बंद की जा रही हैं। मुख्य रूप से नरेगा योजना जो है, अभी 1 जुलाई को एक नया आदेश आया है कि नरेगा से हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है, नरेगा से ही हम लोग काम कर पाते थे, तो अब नरेगा का काम बंद कर दिया गया है, जिससे हम लोग की मांग है कि मुख्य रूप से नरेगा का काम, जैसे सुदूर सड़क वगैरह का काम है, वो चालू किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? नहीं, मांगे पूरी नहीं होती, अभी मंत्री जी आए थे, ज्ञापन लिए हैं, लेकिन उनका कोई आश्वासन नहीं मिला है। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या सर के जो मिनिस्टर साहब आए थे उन्होंने उस मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया और वापस ऐसे ही ज्ञापन लेके चले गए, जिसके बाद इतने सरपंच जो गण आए हैं इनकी कोई देख रेख आव भगत कुछ नहीं, ना पानी चाय कुछ नहीं इनका, और बस ऐसे ही आए और साहब चले गए और कुछ। क्या है प्रमुख मांगे आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं सुदूर सड़क कोठे, जिसके बाद ये जो आवास योजना बंद रख रही है और ये जो शौचालय का बंद कर दिया है वो भी चालू, जिसके बाद ये टाइट एंड अनटाइट का समस्या बहुत ज़्यादा तगड़ी है, जिसके बाद ये जो मनरेगा काम चल रहा है, तो मनरेगा में क्या होता है कि अपन पैसे किसी भी हितग्राही के खाते में डाल रहे हैं तो हितग्राही पैसे नहीं देता है, सरपंच के माथे पड़ जाता है, जो भी काम कर रहे हो काम होता ही नहीं पाता है और पैसे नहीं आ रहे हैं। बस ये हमारी मांगे हैं। सरकार भाजपा की और भाजपा की सरकार, और 80% से 90% सरपंच भाजपा के हैं। फिर आगे क्या बात है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही आपकी, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? अब ये सरकार को देखना है कि क्यों सुनवाई नहीं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम धरना दे रहे हैं और यहीं पे बैठेंगे जब तक सरकार नहीं सुनेगी। जब तक ये हमारी पंचायत ग्रामीण मंत्री आए हुए थे, प्रहलाद पटेल जी आए थे, ग्रामीण मंत्री जी, उन्होंने कोई आश्वासन कुछ नहीं, उनकी बात से बात भी नहीं हुआ और हम उनकी बात से संतुष्ट नहीं है। बस ये राकेश पटेल, ग्राम पंचायत पटाड़ा, घाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ मैं। ये जो सरपंच यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जो हमारे मिनिस्टर साहब आए थे, उनकी बात ना तो किसी के पल्ले पड़ी, उन्होंने कुछ बोला नहीं बोला। बाकी जो मुख्यमंत्री जी, उनसे निवेदन है कि वो आए और हमारी बातें सुने और हमको कुछ आश्वासन दें और हमारी मांगे। सरपंच ग्राम पंचायत धनभा कोठार, जनपद पंचायत हनमना, हमारी मांगे बहुत हैं पर मांगे कुछ तो पूरी की जाए। मनरेगा का काम बंद कर दिया गया है, वो भी साफ बंद कर दिए हैं, शेड्यूल रोड योजना नहीं दी जा रही है, क्रमवार शेड्यूल रोड। आखिर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या चाहते हैं आप, क्या करेंगे, अगला कदम क्या रहेगा आपका, ये बताइए। आप प्रदर्शन बैठे रहेंगे, जब तक मांग नहीं होगी पूरी तब तक उठेंगे नहीं। सांसद पेंशन ले रहे हैं, दो साल से परेशान हुआ, इनकी जितनी भी इनके पास मोदी मांग है एक भी स्वीकार नहीं की गई। ये लगातार सरकार के पास आते हैं, मांग करते हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम बताइए? मेरा नाम जयहिंद यादव, सरपंच छतरपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं लगातार सभी को कोशिश कर रहा हूँ, सरकार से प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोगों की मांग। आप लोगों ने सरकार बनवाई और आज आपकी बात नहीं मानी जा रही, क्या कारण हो रहा है? हो सकता है कोई त्रुटि बस उनके बजाय हो, मनरेगा का बजट पूरा ना कर पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं इतना हम लोग को हक दिया जाए कि हम लोग। मिश्रा, जिला रीवा, जनपद पंचायत, जनपद चौथक, ग्राम पंचायत एकत्रित हुए, क्या विषय? विषय ये है कि इसके पहले मनरेगा से हम लोगों को काम करने का अधिकार था और मनरेगा से ही हम लोग काम करते थे। हमारी छोटी पंचायत है, गांव के विकास के लिए बिना मनरेगा के कार्य करना संभव ही नहीं था, लेकिन एक साल से सरकार ने काम बंद कर दिया, कम कर दिया, और अभी वर्तमान में 1 जुलाई को ऐसा कानून दिया कि मनरेगा से मटेरियल का भुगतान नहीं करेंगे। जब मनरेगा से मटेरियल का भुगतान नहीं करेंगे तो हम काम ही कहां कर पाएंगे। इसके विरोध में हम लोग यहां पर आए हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि सरपंचों के अधिकारों का हनन ना हो,
यह जनता से जुड़ा हुआ जनहितैषी कार्य जो सरपंच करते हैं, जिसका सीधा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। ग्राम पंचायत के विकास में सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उसको जमीन पर उतारने का कार्य अगर कोई करता है तो ग्राम पंचायत का सरपंच करता है। जिला रीवा जनपद पंचायत उत्तर ग्राम पंचायत बजरा सरपंच किरण मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे आप आज के धरना? धरना आज हम इसीलिए आए हैं क्योंकि पहले हम लोग को मनरेगा से काम मिलता था, जिसमें क्योंकि छोटी पंचायत होने के नाते 15 से हमारे को उतना राशि मिल नहीं पाती, तो मनरेगा से हम लोग काम करा लेते थे। लेकिन 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने ऐसा एक आदेश निकाला कि मनरेगा से सिर्फ लेबर पेमेंट होगा, मटेरियल का पैसा नहीं भुगतान होगा। देश तिवारी है, ग्राम पंचायत पूर्वा मनीराम, जनपद पंचायत चौथा, जिला रीवा। इन्होंने अभी भैया ने बताया सरपंच साहब ने कि इनकी मांगे मनरेगा से नहीं हो पा रही है पूरी, तो क्या आज इनकी नहीं बल्कि पूरे जितने यहाँ लगभग 10,000 सरपंच उपस्थित हैं, उन लोग इस विषय आशय का 1/7/2024 को जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा ये मटेरियल नहीं भुगतान होने का आदेश जारी किया गया, उसके विरोध में हम सब लोग एकजुट हुए हैं। सरकार भाजपा की है, आपके मंत्री भी, आपके उप मुख्यमंत्री आपके राजेंद्र शुक्ला जी हैं, फिर क्यों आपकी मांग पूरी सुनवाई नहीं हो रही है? इसीलिए तो हम सब आए हैं कि उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, और हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से बल्कि केंद्र तक पहुँचे, यह मैं अपेक्षा करता हूँ। और हम सब लोग यह अनिश्चितकालीन के लिए प्लान बना के जाएंगे और कोई भी शासन की योजनाओं का धरातल पर कार्य नहीं दिखेगा। ठीक, धन्यवाद। हम जतारा जनपद टीकमगढ़ जिले से हैं, ठीक है, और ग्राम पंचायत मरगुआ है हमारी। तो एक जुलाई को एक आदेश हुआ था मनरेगा से संबंधित, क्योंकि पहले क्या था, मनरेगा में 60-40 का रेशियो चलता था, तो अभी एक नया आदेश हुआ है 1 जुलाई को, तो उसमें उन्होंने क्या है कि 90% उन्होंने ये बोला कि मजदूरी देंगे हम, उसमें 10% उसमें हम मटेरियल का आपको चार्ज करेंगे। तो जो भी काम नरेगा से होते हैं तो उसमें लेबर का भी काम रहता है और मटेरियल का भी काम रहता है, तो मटेरियल का उन्होंने बोला है कि हम आपको सिर्फ 10% देंगे। अभी क्या है 40% का था उसमें, अब उन्होंने बोल दिया है कि हम मात्र आपको 10% देंगे, तो 10% में तो पॉसिबल नहीं है कि कोई काम हो पाएंगे, तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। और भी कोई समस्याएं थी हम लोगों की, जैसे आवास के संबंध थे, आज 2 साल हो गए हम लोगों को बनने के बाद, लेकिन 2 साल में एक भी कोई आवास नहीं आया है। पूरे सारे मध्य प्रदेश में कोई भी बजट नहीं है अभी कि आवास से संबंधित हों, और वहाँ अनेक प्रकार की मांगे थी उनको लेके हम लोग आए थे। सरकार ने इस विषय में कोई ज्ञापन वगैरह या कोई अभी मंत्री जी आए थे तो उन्होंने ज्ञापन तो लिया है, लेकिन अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, तो उसके लेके हम लोग बैठे हैं अभी, जब तक निराकरण नहीं हो जब तक हम लोग भोपाल नहीं छोड़ेंगे। क्या समस्याओं को लेकर आप आए हैं? यही समस्या ही उन्होंने बताई है, आप बता पंचों मटेरियल जो देने का है, तो मटेरियल किस तरीके से कैसे देंगे ये मटेरियल? वो मटेरियल बोल रहे हैं 10% का बोल दिया, 40% का था, 10%। अब 10% में कैसे पॉसिबल, उसमें हमें सीमेंट लगाना है, बजरी लगानी है, गिट्टी लगानी है। लगभग देखने में आ रहा है कि सरपंच 2 साल बनने के बावजूद भी अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, ठप बैठी है सबसे जनता की, बिल्कुल जो भी मांग थी उनको बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे। सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत लालबरा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, बालाघाट से आए हैं, मेरे साथ सरपंच बहनें भी आई हैं, और उतने दूर से 500 किलोमीटर से आने के बाद क्या विषय है वो बताइए। हमारा विषय यह है कि जो 1 तारीख को मनरेगा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने जो आदेश किया है, जिससे पूरे सरपंच असंतुष्ट हैं, पूरे विकास कार्यों को बंद कर दिया गया है, वो हमारे सारे विकास कार्य चालू किया जाए, वो ये सरपंच की लड़ाई नहीं है, ये गरीबों के हित की लड़ाई है, हमारे ग्राम पंचायत के विकास की लड़ाई है। और अगर मान लो ग्राम पंचायत का विकास रुक जाएगा, गरीबों का मनरेगा के तहत उनका पेट की भूख रुक जाएगी, तो मान लीजिए सरकार बहुत तकलीफ में आ जाएगी। सरपंच पहली कड़ी कहलाती है, सारे सरकार को बनाने के लिए, हमारे विधायक को बनाने के लिए, सांसद को बनाने के लिए हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच स्वयं मेहनत करता है। मेरा नाम दरोगा सिंह आयाम, ग्राम पंचायत क्षेत्र बगैया के सरपंच, जनपद पंचायत चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश से। आज हम मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल आए हुए हैं, किन मांगों के लेके आए, क्या बात है? यहाँ पूरे सरपंच यूनियन के ओर से एक आह्वान हुआ, जो 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 को सरकार के द्वारा नरेगा संबंधित एक अध्यादेश जो लागू किया गया,
जिसमें मटेरियल पार्ट को हटा करके सिर्फ मजदूरी बेस को लागू किया गया है, उसी के विरोध में यहाँ पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच एकत्रित होकर के उस कानून को वापस दिलाने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। आपके क्षेत्र से आपके राज्य मंत्री भी हैं जी, क्या उनसे आपने अभी तक बात की? हाँ, इस संबंध में हम लोगों ने अपने क्षेत्र के राज्य मंत्री महोदया जी को 13 जुलाई 2024 को ज्ञापन भी दिया और इस संबंध में चर्चा भी हुआ, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जाकर के हम विधानसभा में इस बातों को रखेंगे और चर्चा के दौरान जो भी वहां से निष्कर्ष निकलेगा उसको आप सब लोगों के सामने अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो क्षेत्रीय विधायक और सांसदों को आप पंचायत में आने की अनुमति देंगे क्या? बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, टोटल रास्ता बंद कर देंगे। कोई भी पंचायत में आना, कोई भी पंचायत हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोग जितने विधायक सांसद उनका रास्ता बंद कर देंगे पंचायत में जाने के लिए। जब हमारी मांग नहीं पूरी होगी, हमारे तो ऐसे पंचायत हैं कि हम चितरंगी विधानसभा से आते हैं, ग्राम पंचायत बगदरी है, मेरा नाम अजय प्रसाद यादव है। विधायक कौन है? विधायक हमारे राधा सिंह है, राजमंत्री। वो भी नहीं सुने आपकी? कोई सुने, हमारे ऐसे मजरे मोहल्ले हैं कि 1947 से जो देश आजाद हुआ है, एक बैगे जात के आदिवासी हैं, वहाँ अभी आते एक खम्भे की चीज लाइट को कोई जानने लाइट क्या चीज है, जो कि 500 घर आदिवासी मोहल्ला बैगे जात के लंच करते हैं। कौन सा गांव है वो? ग्राम पंचायत बगदरी है, चितरंगी विधानसभा माता है, उसमें 400 से 500 घर आदिवासी बैगा जात के मोहल्ले मजरा मोहल्ला। हमारे जो सुदूर सड़क 2 साल होगा अभी तक बंद है, जो सुदूर सड़क है खेत सड़क वो बंद है, प्रधानमंत्री आवास बंद है अभी, और भी बहुत सारी समस्या है अभी, जैसे ये सुदूर सड़क में इसको तो बंद कर ही दी, नरेगा को खत्म कर दिए, मतलब इसमें जो बिल लगते थे वो खत्म हो गए सारे। आज मंत्री जी भी आए थे यहाँ पे? हाँ आए थे। नहीं आश्वासन दिया क्या आपके? क्या नहीं, कोई आश्वासन नहीं, इसको कोई आश्वासन नहीं कहते, सरपंचों को कोई आश्वासन देखे नहीं गए। मध्य प्रदेश में सारी पंचायत है और इतने सरपंच है, अगर सरपंचों की मांग पूरी नहीं करेगी तो सरकार कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, और हम अभी बैठेंगे ही, हम जाने की तैयारी नहीं है हमारी, हम रुकेंगे यहाँ पे। सरपंचों का कहना है कि अगर पंचायत में हमारे विधायक सांसद पहुंचेंगे तो उन्हें अंदर नहीं घुसने देंगे, क्या ऐसा? नहीं घुसने देंगे, और अभी तालाबंदी करेंगे पंचायत में, तालाबंदी की तैयारी चल रही है हमारी, आज हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम तालाबंदी करेंगे। ठीक है। और जो मनरेगा में और एक तारीख को लेटर निकाला है, उसके मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, हमारी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर हम सभी नाराज है हमारे मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी हमारे लिए तो बिल्कुल ही, मतलब हमको तो ऐसा लगा है कि मतलब हमारे मुख्यमंत्री नहीं बैठे हैं यहाँ, बस हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे सभी सरपंच भाई साथीगण एवं बहन सभी को पंचायती राज में उनको अच्छे कार्य योजना की व्यवस्था मिले, जिस प्रकार से हम लोग आए थे यहाँ पर उत्साहित होकर, लेकिन हमको किसी प्रकार से भी कोई समझाइश नहीं दी, ना किसी प्रकार से कोई मांग की उन्होंने, ना हमारी व्यवस्था की, और जरा सी देर में हमारे प्रहलाद जी पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी चले गए, पंचायत मंत्री बोलकर चले गए, कुछ भी नहीं करा उन्होंने, लेकिन ज्ञापन तो दिया है, ज्ञापन दिया है लेकिन उस पर कोई बात नहीं कही गई, कोई सुनवाई नहीं की गई, तो विचार का कहा होगा, विचारधारा पे भी नहीं, कुछ भी नहीं किया हमको, मतलब सिर्फ आश्वासन देकर चले गए वो लोग, कुछ भी नहीं। आप उनकी बात से संतुष्ट नहीं? नहीं है संतुष्ट, हम सारे सरपंच नाराज है। मैं सरपंच अशोक कुशवाहा, ग्राम पंचायत हदुखेड़ी, जनपद गंजबासुरा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। आज की मांगों को लेकर भोपाल आए आप? हम 19 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ भोपाल सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम सभी लोग विगत 5 से 6 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई भी बड़े नेता यहाँ पर हमारी मांगों को लेने नहीं आए हैं, हमारा ज्ञापन लेने नहीं आए हैं, इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते रहेंगे जब तक वो नहीं आएंगे। अभी प्रहलाद पटेल जो आए थे, क्या आश्वासन देते? प्रहलाद पटेल जी आए थे तो उस समय सिर्फ यही बोल के आए थे, हम देखेंगे, करेंगे, बात करेंगे, इसके अलावा कोई ठोस आश्वासन नहीं। ज्ञापन दिया है आपने? ज्ञापन हमारे पास है, ज्ञापन लेने के लिए कोई आए नहीं है, सिर्फ कलेक्टर साहब आए थे। अब चूंकि कलेक्टर ऑथराइज नहीं है, कलेक्टर साहब सरपंच को कोई ठोस वो नहीं दे सकते कि मैं ये करवाऊंगा, क्योंकि
सरपंच जो है वो जनता के द्वारा चुने हैं और जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे और मंत्री हैं वो भी जनता के द्वारा आए तो उन्हें आना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। शहर कांग्रेस इंदौर कोषाध्यक्ष, आज यहाँ पे भोपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरपंच, तो उसी लेके आप लोग यहाँ आए हुए क्या? जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जीतू पटवारी जी आज यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने आए, सरपंच पूरे प्रदेश के आए अपनी मांगों को लेकर। सरकार की मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री जी यहीं पर है पर सरपंचों से मिलने नहीं आए, और ऐसा ज्ञात हुआ कि मंत्री जी भी आए थे पर वो एक मिनट भी इनको समय नहीं दिया और वो लोग चले गए। सरपंच पूरे मैदान में है, पुलिस आप देख सकते हैं हमेशा पुलिस प्रशासन का उपयोग किया जाता है, वैसे उपयोग किया जा रहा है। क्या इसीलिए नमस्कार, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर।